नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि चुनाव से पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के 34 रेलवे स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट यानी कि एक स्टेशन एक उत्पाद का स्टॉल जो है वो लॉन्च किया था। इनके अलावा बिलासपुर में एक रेल कोच रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। इनके अलावा दुर्ग कोचिंग डिपो में पिट लाइन का अपग्रेडेशन का लोकार्पण किया गया। इनके अलावा बिलासपुर में वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का उद्घाटन किया गया। इनके अलावा भिलाई मेमू शेड का विस्तार हो इस विषय पर अनुमति प्रदान की गई। इनके अलावा अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में पिट लाइन का शिलान्यास किया गया कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन जो कि सरगुजा के अंतर्गत आता है यहाँ पर पिट लाइन बनाई जाए, क्योंकि भारतीय रेलवे का विचार है भविष्य में कि अंबिकापुर से लंबी लंबी दूरी की ट्रेनों को चलाया जाए। जिस दिन ये इतना महत्वपूर्ण प्रोग्राम किया गया उस दिन 85,000 करोड़ रुपए के अधिक लागत की लगभग 6,000 छोटी बड़ी रेल परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। रेलवे के बुनियादी ढांचा विकास की इन परियोजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल मौजूद रहे। आपको बताते चले, रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक पर हुए कार्यक्रम में लगभग 670 से अधिक रेलवे स्टेशनों और अन्य स्थानों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लोग शामिल हुए। आपको बताते चले कि रेलवे के इतिहास में पिछले 100 सालों में भी एक कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में रेल परियोजनाओं के शुभारम्भ का कार्यक्रम पहली बार हुआ। भारतीय रेलवे लंबे समय से राजनीति और क्षेत्रवाद का शिकार रही है। रेलवे में डिब्बे बढ़ाना स्टॉपेज बढ़ाना ही रेलवे की प्रगति के मायने थे। बीते समय में रिजर्वेशन की लंबी लाइनें, दलाली और कमीशन के साथ गंदगी ने भारतीय रेलवे की स्थिति नरकी बना रखी थी। वर्ष 2014 में देश के 9 राज्यों की राजधानी रेल नेटवर्क से अछूती थी। 10,000 से अधिक रेल क्रॉसिंग फाटक विहीन थे। भारतीय रेलवे का ऐसा कायाकल्प हुआ इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मोदी सरकार के द्वारा काम तो खूब सारा किया गया, लेकिन कुछ फैसले ऐसे लिए गए जो कि जनता के हित में नहीं थे। सबसे पहला गलत फैसला जो लिया गया वो ये लिया गया सीनियर सिटीजन वाला। पहले भारतीय रेलवे में सीनियर सिटीजन कोटा दिया जाता था, ऐसे में बुजुर्गों को कंसेशन दिया जाता था, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा कोरोना के बाद से सीनियर सिटीजन कोटा पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ को लगभग 150 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चुनाव के पहले दी गई है। अब चुनाव के जो रुझान हैं वो तो पूरी तरीके से आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की अच्छी खासी बहुमत मिली है। शहडोल की जो माननीय सांसद हिमांद्री सिंह जी वो भी जीत चुकी हैं। हालांकि कोरबा का हिसाब किताब थोड़ा सा अलग था, क्योंकि कोरबा में कांग्रेस की एक सीट आई है। श्रीमती ज्योत्सना जी ने कोरबा से चुनाव लड़ा था और वो जीत गई हैं, तो कोरबा में कांग्रेस की सीट आई है। लेकिन आपको बताते चलें, इस बार जो सरकार बन रही है वो गठबंधन की बन रही है और गठबंधन सरकार में एक सरकार कभी भी हावी नहीं हो सकती, एक सरकार कभी भी एक फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि गठबंधन की सरकार में सबकी सहमति जरूरी होती है। कहने का मतलब यह था कि छत्तीसगढ़ में जो इतने सारी परियोजना का लोकार्पण हुआ, शिलान्यास हुआ, यानी कि घोषणा तो हो गई है, अब इस छत्तीसगढ़ की रेल परियोजना को कब से बनाया जाएगा, कब से रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी छत्तीसगढ़ में। आपको बता दें चलें कि छत्तीसगढ़ में एक सबसे बड़ा जो शहर है छत्तीसगढ़ का वो है बिलासपुर, और बिलासपुर जो है वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ट्रेनों की तो बहुत ज़्यादा समस्या है। लोकल जो लोग हैं वहाँ के जो, वो बताते हैं कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ट्रेनों की बहुत ज़्यादा समस्या है, कभी भी ट्रेन समय पर नहीं आती। इनके पहले कोरोना के पहले जो अंत्योदय टाइप की ट्रेनें चला करती थी वो भी बंद हो गई हैं। इनके अलावा अंबिकापुर से मांग की जा रही है कि अंबिकापुर से वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाए या फिर इंटरसिटी ट्रेन को चलाया जाए, सुबह के टाइम चलाया जाए, क्योंकि सुबह के टाइम बिलासपुर रायपुर जाने के लिए कोई भी ट्रेन की सुविधा नहीं मिलती है। इनके अलावा अंबिकापुर से ये भी डिमांड की जा रही है कि भैया अंबिकापुर से मुंबई दिल्ली जाने की कनेक्टिविटी दी जाए। हालाँकि दिल्ली जाने की कनेक्टिविटी तो मिल गई, लेकिन उस ट्रेन में सिर्फ 2 ही स्लीपर क्लास के कोच हैं और ट्रेन हफ्तों के एक दिन ही जाती है, तो यात्रियों को हफ्तों के 7 दिन वाली ट्रेनें चाहिए। जैसे शहडोल से नागपुर और नागपुर से शहडोल ट्रेन चलती है, एक साधारण गाड़ी है, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन, और इस ट्रेन में जनरल क्लास भी दिए गए हैं, स्लीपर क्लास भी दिए गए हैं, एसी क्लास भी दिए गए हैं। ऐसी ट्रेन की मांग अंबिकापुर वासी भी करते आ रहे हैं। अब देखिए, हालांकि चुनाव के रुझान तो आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अखिल भारतीय समय सारणी की जो बैठक जयपुर में हुई थी कई सारे प्रपोजल उसमें गए थे, तो उसमें बहुत से ऐसे प्रपोजल हैं जो एक्सेप्ट हो गए हैं। धीरे धीरे उन प्रपोजलों को लीक किया जा रहा है,
लीक करने का मतलब है कि उन प्रपोजल को अब पब्लिकली किया जा रहा है, पब्लिकों को भी बताया जा रहा है कि ये चीज़ कन्फर्म हो गई है और इस चीज़ पर कार्य किया जाएगा। जैसे कि सिंगरौली से भोपाल और सिंगरौली से निजामुद्दीन के बीच में ट्रेन चलती है, ये दोनों ट्रेनों में से एक ट्रेन हफ्तों के दो दिन चला करती थी और एक ट्रेन हफ्तों के एक दिन चला करती थी, तो इन दोनों का एक एक दिन बढ़ा दिया गया है। इनके अलावा आपको बताते चलें कि अंबिकापुर से रीवा, रीवा से अंबिकापुर की भी मांग की गई है, कोरबा से बीकानेर, बीकानेर से कोरबा की मांग की गई है। अब बस इंतजार ही है कि इतनी सारी जो परियोजना का उद्घाटन किया गया है और जो अखिल भारतीय समय सारणी में जो इतने सारे प्रपोजल भेजे गए हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के अंतर्गत, अब देखने वाली बात है कि इन प्रपोजलों पर अब क्या नतीजा निकल के आता है। और आने वाली जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार बन रही है और इस सरकार में रेल सुविधाओं में क्या विस्तार हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, छत्तीसगढ़ में वही हाल रहेगा जो हाल पिछले 5 सालों से है, या फिर थोड़ा सा बदलाव होगा, तो फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।